ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमेशा उन लड़कों के लिए रोती है जो उन्हें धोखा देते हैं और तकलीफ देते हैं, और कभी उन लड़कों की कदर नहीं करती जो उनके पीछे भागते हैं और उनकी केयर करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम भी उन्हें धोखा देने के लिए निकल पड़े। भूल गए कि ईश्वर के घर का तराजू अभी सही है, हिसाब सबका होगा। चलो आज लड़कों के बारे में एक सच बताता हूँ। जो लड़के बहुत बातें करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। जिंदगी में प्यार और रिस्पेक्ट में से किसी एक को चुनना हो ना, तो रिस्पेक्ट को चुनना, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें कभी प्यार भी नहीं कर सकता। आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है, आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। जिस दिन वो आपको खो देगा, मुस्कुराते हुए भी रो देगा, रो देगा, रो देगा। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। बचपन में मंदिरों में भीड़ होने के कारण जब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे ना, तो हमारे पिता हमें कंधे पर बिठाकर हमें भगवान के दर्शन करवाते थे। लेकिन तब हमें यह नहीं पता था कि जिन्होंने हमें कंधे पर बिठाया वही हमारे भगवान है। जब किसी का आपसे मन भर जाता है ना, तो वो आपको हर चीज में गलत ठहराता है और खुद को हर चीज में सही बताता है। हाँ, एक इंसान गलत हो सकता है लेकिन हर चीज में गलत हो ये जरूरी तो नहीं। आज आप रोए हो किसी के लिए, लेकिन ये दुआ करना कि जिसके लिए आप रोए हो वो ना रोए किसी के लिए, क्योंकि रोने का दर्द आपको पता है उसे नहीं। जीवन में बनना ही है तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी की सिसकियों का नहीं। कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो वही आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे और हो सकता है तब तक वो इंसान आपके साथ ना हो। अगर कड़वी बात सुनने की हिम्मत नहीं है तो कड़वी बात बोलने का साहस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो कड़वी बात बोलने का साहस तो रखते हैं लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं रखते। जब तक ठोकर ना लगे जिंदगी में, हर एक को अपने फैसले पर गुरूर होता है। अरे गुरूर करना बंद कीजिए, ऐसे कई गुरूर करने वाले कब्रिस्तान में दबे पड़े हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक सिग्नल के लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ा सा भी इंतजार कर ले तो बत्ती हरी हो जाती है, लेकिन सब्र ना होने के कारण हम लाल बत्ती में ही कूद पड़ते हैं और फिर सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। किसी ने क्या खूब पूछा कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया कि जब किताबों में ही सब कुछ है तो स्कूल क्यों जाते हो? यदि जिंदगी से आपको खुशियां नहीं मिल रही है तो जिंदगी आपको तजुर्बे जरूर दे रही होगी। खुशियां थोड़े समय के लिए हो सकती है लेकिन तजुर्बे जिंदगी भर के लिए होते हैं। इसलिए अपने तजुर्बों से सीखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। भरोसा जितना कीमती होता है ये धोखा उतना ही महंगा होता है। इसलिए यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो चिंता मत करिए, उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना भरोसा बनाए रखिए। मुझे 7th क्लास में सप्लीमेंट आई मैथ्स में, जैसे तैसे मैंने उसे पास किया, लेकिन फिर से 9th क्लास में मुझे सप्लीमेंट आई मैथ्स में और उस एग्जाम को मैं पास नहीं कर पाया। मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन आज मैं वो हूँ जो मैं बनना चाहता था, एक मोटिवेशनल स्पीकर। ये एग्जाम सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं लेकिन आपको असल जिंदगी में आगे बढ़ाती है आपकी मेहनत और आपका विश्वास। इसलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट।